सो जिन लोगों को भी लॉन्ग हेयर्स पसंद है वो ये वीडियो फुल कंप्लीट देखना। सो इसमें हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से नई वीडियो में आपका वेलकम है। कल मैं बहुत प्यारी सी वीडियो लेके आई हूँ। आज होने वाला है हेयर मास्क DIY। सो ये DIY हेयर मास्क बनने वाला है राइस से। सो राइस हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं बिकॉज राइस हमारे हेयर्स को ग्रोथ करने में, शाइन लाने में, स्मूथनिंग करने में बहुत परफेक्ट होता है। दिस वॉज अ कोरियन, एक कोरियन टेक्निक से ये बनाया जाता है। जो कोरियंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा राइस यूज़ करते हैं अपने हेयर्स, अपनी स्किन के लिए। तो आज मैं इस हेयर मास्क को यूज़ करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ कि ये हेयर मास्क कितना यूज़फुल है आपके हेयर्स के लिए। जिनके भी बालों में बहुत ज़्यादा स्मूथनेस नहीं रहती है वो इसे यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली स्मूथनिंग कराने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने घर पे बाल कैसे स्ट्रेट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ DIY वीडियो जो कि होने वाली है हेयर मास्क के लिए। सो ये हेयर मास्क कौन कौन लगाएगा, किस तरीके से लगाना है, सो पूरा वीडियो देखना है आपको। सो चलते हैं स्पेशल हेयर मास्क पे। सो गाइज, ये हेयर मास्क मैं क्यों लेके आई हूँ, इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया हुआ है। अगर आप स्मूथनेस लाना चाहते हो अपने हेयर्स में और आपके बाल ग्रोथ नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली ये जो टेक्निक है ये कोरियन टेक्निक कहा जाता है। इसे टेक्निक है ये कोरिया में बहुत यूज़ की जाती है। ज़्यादातर वो लोग राइस यूज़ करते हैं अपने हेयर्स एंड अपने फेस के लिए, स्किन के लिए कहा जाता है। सो मैंने सोचा कि ये एक बार मैं मास्क यूज़ करती हूँ किस तरीके का है। सो काफ़ी मैंने इसे यूज़ करने के बाद इसका पूरा लुक बताया है किस तरीके से इसे यूज़ करना है। सो चलते हैं जल्दी से DIY हेयर मास्क पे। सो फुल वीडियो ज़रूर देखना। सो यहाँ पे मैंने राइस ले लिया है बाउल में और मैं अपने हेयर्स के हिसाब से ले रही हूँ और काफ़ी पेस्ट मैं बनाऊँगी बिकॉज मेरी फुल फैमिली को लगाना है हेयर मास्क। सो उसके बाद हमें इसे वाटर में रख देना है कुछ मिनट के लिए, हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद हमें इसे अच्छे से पकाना है, बिल्कुल गला के जिस तरीके से भात बनता है। सो आप देख सकते हो कितना गल चुका है और मैंने इसे अब ठंडा होने के लिए रख दिया है। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसको ग्राइंडर में अच्छे से क्रीमिस्ट में बनाना चाहती हूँ, क्रीम पेस्ट बनाना चाहती हूँ। तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ अच्छा सा कोई हेयर ऑयल जो आप मिलाना चाहते हो। उसके बाद मैं ट्री ट्री ऑयल भी इसमें मिक्सअप करूँगी, 2-3 ड्रॉप्स आप देख सकते हो। एंड ड्रॉप्स मिलने के बाद आप अच्छे से पेस्ट बनाना, क्रीम बनी हुई है, इस तरीके से क्रीमी बन चुका है। एक ये पेस्ट तैयार किया हुआ है सो आप देख सकते हो। बहुत ज़्यादा गीला मत करना आप, ठीक है। सो गाइस, इस तरीके से आपको अपने बालों को हाफ कर लेना है, डिवाइड कर लेना है, उसके बाद से अच्छे से अप्लाई। सो गाइस, जिस तरीके से मैं अपने हेयर्स में से अप्लाई कर रही हूँ उस तरीके से आपको अप्लाई करना है और इसको रखना है आपको 15 मिनट्स के लिए ओनली। अगर उससे देर तक आप रखते हो तो थोड़ा सा मैं बता दूँ स्टिकी हो जाएगा, तो थोड़ा सा रिमूव वॉश करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी। एंड सेकेंड चीज़, आपको इसको वॉश करना है फिर शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद कंडीशनर भी यूज़ कर सकते हो आप। देन आप इसको अच्छे से देखना, आप जब बाल आपके ड्राई हो जाएंगे, अच्छे से सूख जाएंगे, उसके बाद आपके बाल बहुत अच्छे लगेंगे। ये प्रोसेस बहुत अच्छा है और बहुत चीप भी है। हमारे घर में राइस रहता है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं और ये मास्क बहुत अच्छा है। रियली मैंने बहुत इसे यूज़ किया हुआ है। थोड़ा सा आपको अप्लाई करते हुए थोड़ा सा चिप चिप सा लगेगा बिकॉज़ ये राइस है, तो थोड़ा सा आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं अप्लाई कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा लगाने में, थोड़ा थोड़ा सा लगता है कि बहुत स्टिकी हो रहा है आपके हाथ में। सो आप अप्लाई होने के बाद देखना किस तरीके से मैंने लगाया एंड वॉश कर सकते हो आप जिस वे में आप वॉश करते हो शैम्पू कंडीशनर के साथ। Oh, 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 oh,
एंड सेकेंड चीज़, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो मैं बता दूँ कौन इसे यूज़ कर सकता है। सो गाइस, अगर इस हेयर मास्क को आप अप्लाई करने वाले हो तो मैं बता दूँ, जिनको भी स्मूथनेस चाहिए अपने हेयर्स में वो इसे यूज़ कर सकते हैं, जिनको भी स्ट्रेटनिंग जैसा लुक चाहिए वो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड जिनके भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हो। मैं बता दूँ, इसको वीक में 3 times 2 times आप लगा सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि जितना आप इसे यूज़ करोगे ना उतना ही आपके हेयर्स में कुछ ना कुछ तो डेली चेंजमेंट होने वाला है, ये डेफिनेटली है। क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया है एंड फर्स्ट वॉश में मुझे मेरे हेयर्स बहुत सिल्की शाइनी लगे थे, एंड दिस वन इज़ अभी लॉकडाउन है, सब लोग अपने बाल बहुत अच्छे कर सकते हो, जितनी भी गर्ल्स हैं वो अभी लॉकडाउन में हो सब लोग, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम निकालना है बस और कुछ भी नहीं करना है, तो आपको बहुत अच्छा सा एक हेयर मास्क मिल जाएगा स्मूथनिंग करने के लिए, एक बहुत अच्छी सी टेक्निक है ये। एंड अगर बात की जाए बहुत ज़्यादा कॉस्टली अगर आप नहीं करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसे घर में ट्रीटमेंट कर सकते हो, बहुत अच्छे से स्मूथ लाएगा आपके हेयर्स में, एंड दिस वन इज़ बेटर। अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो और आपको DIY करना बहुत पसंद है लुक लाइक मी, तो आप इसमें बहुत अच्छे से अपने हेयर्स को एक ट्रीटमेंट दे सकते हो, केमिकल फ्री होगा जो कि आप ओन अपने घर पे बना रहे हैं। आप कहीं हेयर स्पा में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो आप अपने घर में इसको हेयर स्पा के तौर पे भी यूज़ कर सकते हो, बहुत बेस्ट हेयर मास्क है दिस वन इज़ अ ग्रेट, क्योंकि मुझे ये बहुत प्यारा लगा जब मैंने इसको लगाया, तो मुझे थोड़ा सा स्टिकी लगा, जब ये थोड़ा सा ड्राई होने लगता है ना तो थोड़ा सा चिपकने लगता है, आप भी जानते हो राइस कितनी जल्दी चिपकता है, सो जब आप लगा लोगे इसको बहुत अच्छे से लगा सकते हो, इसमें अच्छे से हेयर ऑयल भी मिला सकते हो अगर आपको बहुत दिक्कत हो रही हो तो। तो डेफिनेटली मैंने इसको हेयर ऑयल एंड एलोवेरा के साथ यूज़ किया था, दिस वन इज़ अ ग्रेट। एंड जो भी यूज़ करने वाले हैं मुझे डेफिनेटली कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, दिस वन इज़ अ ग्रेट कोरियन टेक्निक हेयर मास्क एंड मुझे बहुत पसंद है, मैं इसको हमेशा लगाती हूँ, वीक में 2-3 times तो मैं लगा ही लेती हूँ, बिकॉज राइस अपने घर में रहता ही है और डेफिनेटली थोड़ा सा राइस लेना है आपको लगाना है, क्योंकि मैंने जितना दिखाया है वीडियो में मेरी पूरी फैमिली ने यूज़ किया था, डेट्स वाई वो खूब ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। सो गाइस, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट्स ज़रूर कर दें, हम बताना ज़रूर किस किस ने यूज़ किया है। सो गाइस, प्लीज़ सपोर्ट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नहीं कराया तो यहाँ तक आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।